प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। भारत में मॉनसून की बारिश कई राज्यों में जारी है। दक्षिण से लेकर मध्य भारत में मॉनसून के कारण बारिश हो रही है। अब उत्तर भारत में मॉनसून की दस्तक होने वाली है। मौसम विभाग की माने तो मॉनसून के कारण बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक में मौसम में बदलाव दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मॉनसून के कारण बिहार के कई जिलों में बारिश होगी। कई जगह पर वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव के क्षेत्र के विकसित होने से राज्य में प्री मॉनसून बारिश देखी जा रही है। राज्य के कई इलाकों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली है। विभाग का कहना है कि 11 से 13 जून के बीच राज्य में मॉनसून की बारिश दर्ज की जाएगी। इससे लोगों को गर्मी से होने वाली दिक्कतों से आराम मिलेगा। मौसम विभाग ने 13 जून के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। विभाग के मुताबिक 13 जून तक पटना, गया, लखीसराय, बेगूसराय, नालंदा, शेखपुरा, नवादा समेत कई जिलों में मॉनसून के कारण बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में उठे कम दबाव के क्षेत्र से अच्छी खासी बारिश का अनुमान जताया गया है। दूसरी तरफ झारखंड में भी प्री मॉनसून रेन रिपोर्ट की जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में बताया गया है कि 13 जून तक बारिश वज्रपात के साथ ही तेज हवाएं चलेंगी। झारखंड में शुक्रवार से रविवार के बीच मॉनसून की बारिश रिपोर्ट की जाएगी। इसके साथ ही वज्रपात का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां 11 से 26 जून के बीच आने वाले हाई टाइड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 11 से 26 जून को आने वाले हाई टाइड के कारण भारी नुकसान हो सकता है। समुद्र में ज्वारभाटा से निचले इलाके में पानी घुसने से बड़े पैमाने पर नुकसान का अनुमान है। इसको देखते हुए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मॉनसून का प्रभाव दिखने लगेगा। मॉनसून की बारिश से गर्मी से निजात मिलेगी। कहीं कहीं प्री मॉनसून रेन होने से भी मौसम सुहाना हो जाएगा। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।